एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है मंडे और अभी टाइम हुआ है 7 o'clock। मंडे इवनिंग है ये, सॉरी मैं बोलना भूल गई, आज मंडे इवनिंग है और टाइम हुआ है 7:07, मतलब इतना एग्जैक्ट मैं ऐसे मोबाइल लेके खड़ी नहीं हूँ, थोड़ा तो 5-10 मिनट इधर उधर हो ही जाता है। मिथुन का फ़ोन आया था, मिथुन अभी ऑफिस से आ रहे हैं और अभी ये टाइम है मेरा कॉफ़ी टाइम, तो इस टाइम को अभी हम एंजॉय करने वाले हैं और उसके साथ मिथुन लेके आ रहे हैं चकली, यानी कि मुरुक को चकली मैं आपको दिखाऊंगी। वो यहाँ पे बहुत चलता है और बहुत अच्छा लगता है चाय के साथ। आज मैं कॉफ़ी नहीं बनाने वाली हूँ क्योंकि कॉफ़ी के साथ ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगता। आज मैं बनाऊँगी गरम चाय, वो भी अदरक डाल के। अदरक के साथ अच्छा लगेगा, पता नहीं, अदरक के साथ शायद मैंने कभी ट्राई नहीं किया। अदरक वाली चाय मैं जब भी पीती हूँ बस ऐसे ही पीती हूँ, उसके साथ मैं कुछ भी नहीं लेती। देखते, वो तो ऑप्शनल है, अदरक मैं डाल भी सकती हूँ, ना भी डाल सकती हूँ। मिथुन आ जाए उसके बाद मैं बनाने जाऊँगी चाय और हम लोग पिएंगे गरम गरम चाय विद चकली। और उसके बाद होगा आज कुछ डिनर प्रिपरेशन, क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कोई भी नॉन वेज नहीं, प्योर वेज। और उसके साथ मतलब एक कंप्लीट डिनर किस तरह से बनाते हैं, मतलब क्या क्या मेन्यू आप कर सकते हैं कंप्लीट डिनर के लिए, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। 2-3 आइटम्स रहेगा वहाँ पे, राइस रोटी सब रहेगा। बेसिकली हम राइस ही लेते हैं, पर जब भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आपको एक थोड़ा सा आइडिया दे रही हूँ, तो ऑब्वियसली मैं अपना आइडिया नहीं लगा सकती हर टाइम, क्योंकि मैं जो खाती हूँ वही आपके साथ शेयर करूँ। अगर आपको मुझे आइडिया देनी है तो वहाँ पे रोटी को इंक्लूड करना ही पड़ेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द फैमिली में डिनर में रोटी लिया जाता है। तो आज मैं भी रोटी बनाऊँगी, रोटी के साथ थोड़ा सा राइस लूँगी, तो ये होगा आज मेरा। और क्या क्या आइटम्स बनाऊँगी वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो घर में जो सारी चीज़ें रहती हैं, सब्जी वगैरह, इसके साथ ही आप घर में एक कंप्लीट हेल्दी डिनर बना सकते हैं, उसका ही एक आइडिया मैं आपके साथ शेयर करूंगी।
ऑलरेडी डिनर का प्रिपरेशन शुरू कर दिया है, क्योंकि जब भी कुछ ज़्यादा आइटम्स मैं बनाती हूँ ना, तभी मैं ऐसे ब्रेक दे दे के मैं कुकिंग करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने दाल को बॉईल कर लिया है, यहाँ पे पालक बॉईल हो रहा है क्योंकि मैं पालक राइस बनाने वाली हूँ आज, और राइस भी मैंने ऑलरेडी भिगो कर रख दिया था, तो अभी इसे ड्रेन आउट कर लिया है। ये सोया नगेट्स, तो इसे भी मैंने बॉईल कर लिया है। ये तो पैन है, इसमें मैं बनाऊंगी, और एक कढ़ाई भी मुझे यूज़ करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने बना ली है, और अभी जिंजर गार्लिक पेस्ट ऑलरेडी मेरे पास होते, अनियन जो भी चाहिए मैं कट कर लूँगी, और टमाटो प्यूरी बना लूँगी। सब कुछ रेडी है, तो अभी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और अभी मैं क्या करने वाली हूँ, अभी मैं अमेजन से कुछ चीज़ें लेने वाली हूँ। एक्चुअली मेरे किचन के लिए है, मेरे किचन के ऐसे कोने में ना ये बड़े बड़े दो डब्बे हैं, डब्बे में हर एक खाने पीने का नहीं, हर एक खाने का चीज़ वो प्लास्टिक में मैं ऐसे रबर बैंड से ऐसे पैक करके रखती हूँ, क्योंकि इतने कम डब्बे हैं मेरे पास, वो सारी चीज़ें रखने के लिए जगह नहीं है मेरे पास। तो अभी मैं प्लास्टिक के ही कुछ डब्बे लूँगी, जो कि किचन में हर एक चीज़ जो मुझे ऐसे प्लास्टिक के अंदर ही, मतलब जैसे मैं बाज़ार से लाती हूँ वही प्लास्टिक में मैं रबर बैंड से उसे पैक करके रखती हूँ। बहुत प्रॉब्लम होता है उसे यूज़ करना, और वो कभी कभी चीटी आ जाते हैं, तो बहुत प्रॉब्लम होता है। तो ये जो डब्बे हैं इसे मैं यूज़ नहीं करने वाली हूँ, वैसे भी ये बहुत सारा जगह भी कवर कर लेते हैं, तो इसलिए मैं कुछ किचन के वो डब्बे ऑर्डर करूँगी। और मैं सोच रही हूँ कि आपके कहने पे मैं वो मसाले के डब्बे ले ही लेती हूँ, जो मैंने बोला था कि वहाँ पे जाने के बाद लूँगी। हाँ लूँगी, पर वो थोड़ा महंगे वाले जो डब्बे हैं ना, जो सिरेमिक का आते हैं, वो सारी चीज़ मैं वहाँ पे जाके लूँगी। पाउडर मसाले रखने का जो इतने छोटे छोटे जो डब्बे होते हैं ना, एक सेट में आते, मैं सोच रही हूँ वो ले ही लूँ, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, सीरियसली बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। किचन में बहुत जगह है, पर पैकेट में मैं चीज़ें रखती हूँ। ब्लैक पेपर का पाउडर मैं हमेशा ऐसे वही पैकेट में मैं रखती हूँ, तो बहुत अच्छा भी नहीं लगता, जैसे कि मैं वीडियो में दिखाती हूँ तो अच्छे भी नहीं लगता दिखने में, और मुझे यूज़ करने में भी बहुत प्रॉब्लम होता है। तो मैं अभी जल्दी से जाती हूँ और जाके वो सब चीज़ें लेती हूँ। अगर पॉसिबल हुआ तो आपको भी मैं दिखाऊंगी क्या क्या चीज़ें लाई हूँ, अब मैं ले रही हूँ, और वो डिलीवरी होने के बाद तो आपको ऑब्वियसली दिखाऊंगी। तो चलते हैं। हो गया है मेरा ऑनलाइन शॉपिंग, अभी तक तो परचेज हो भी गया है, पर डिलीवरी का अवेलेबल किचन लिख लेते हैं इस वीक के अंदर, वो सारी चीज़ें डिलीवर हो जाएगा। मसाले वो स्पाइसेस रखने का दो सेट लिया है, क्योंकि काफ़ी सारे स्पाइसेस है ना, तो हर एक चीज़ मैं अभी वहाँ पर रखना चाहती हूँ। और दाल, बासमती राइस, ये सारे जो 500 ग्राम्स या 1 किलो ऐसे जो आता है ना, ये ऐसे कुछ जर लिए है, जर का भी वो सेट है, तो पहले आ जाए उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। तो अभी जल्दी से खाना बना लेते हैं, क्योंकि जब भी मैं ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ ना, तो 2-3 घंटे कैसे चले जाते हैं मुझे कुछ पता नहीं चलता। तो अभी मैं सबसे पहले बनाऊंगी पालक राइस। पालक राइस के लिए पालक प्यूरी तो मैंने ऑलरेडी बना लिए है, पालक को बॉईल करके उसका पेस्ट बना लिया है, और उसके साथ मैं ऐड करूंगी अनियंस, जिंजर गार्लिक पेस्ट, और थोड़ा सा वो जो स्पाइसेस होता है कि कोरिएंडर पाउडर, क्यूमिन पाउडर, फिर सॉल्ट, और क्या दूँ, ग्रीन चिली, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, तो ये सारी चीज़ें मिला के आप बना सकते हैं। मैं इसमें ऐड करूंगी थोड़ा सा घी, इतना ही काफी है, 1 टीस्पून इज एनफ। अब ये थोड़ा सा मेल्ट हो जाए, उसके बाद मैं इसमें घर की बनाए हुए जो गरम मसाला पाउडर है वो ऐड करूंगी। अभी मैं इसमें ऐड करूंगी थोड़ा सा हींग,
में थोड़ा सा गर्म हो जाए उसके बाद जो बॉयल दाल है वो मैं डाल दूंगी। फिर थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर, सॉल्ट एंड थोड़ा सा शुगर, बन जाएगा। और ये पालक जब थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा, दैट मीन्स पालक अच्छी तरह से कुक हो गया है, मतलब इसका जो एक रॉ फ्लेवर है वो अभी नहीं आएगा, तो उसके बाद ही मुझे ऐड करना है राइस। और ये राइस जो है ये मैंने पहले से भिगो के रख दिया है, ये प्लेन राइस है, सोना मसूर मैं जो डेली यूज़ करती हूँ वही राइस। और आप चाहे तो इसे मतलब बहुत सारे आपके पसंदीदा कोई राइस के साथ भी बना सकते हैं, ये बासमती राइस के साथ बहुत अच्छा लगता है। और अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है और उसके बाद जितना आप राइस लेंगे उसका डबल क्वांटिटी का पानी लेना है। तो राइस को मैंने इस बर्नर पे शिफ्ट कर दिया है, तो यहाँ पे इसमें मैं बना लूंगी सोयाबीन करी, क्योंकि अभी सॉरी इसमें पानी है, ये पहले ड्राई जिस पे उसके बाद ऑयल डाला है। दोनों बर्नर ही मैं जब थोड़ा बहुत टाइम लगता है मेरे कुकिंग में तब दोनों बर्नर ही मैं यूज़ करती हूँ। और ये जो छोटे छोटे दो बर्नर्स हैं ना, ये कोई काम का नहीं है, यहाँ पे मैं कुछ भी बिठाऊँ, मतलब छोटे से पॉट में अगर कुछ मैं बनाती हूँ तो वो आ जाता है, या तो कढ़ाई में या ऐसे कुछ पैन में अगर बैठा देता तो कोई काम नहीं आता, तो हो ये तो कोई काम का नहीं है मेरा। तो इस बर्नर पर हो रहा है राइस, ये ऑलमोस्ट हो गया है, मैं आपको दिखा दूँ, ये ऑलमोस्ट हो गया है पर और भी थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा कच्चा है, तो ये अभी कंप्लीट हो जाए तब तक मैं यहाँ पे सोयाबीन चढ़ा देती हूँ।
इतने टाइम तक वॉक करने के बाद मेरा जो पैर है वो बिल्कुल दर्द हो गया। मैं मिथुन को बोलती रहती हूँ कि तुम वॉक करो तुम वॉक करो, तुम्हें ज़रूरत है पर मुझे ज़रूरत नहीं है, पर हर रोज़ मुझे लेके जाएंगे। ये जो क्या देख रहे हैं मेरा ये जो घुटना है ना, ये रियली दर्द हो रहा है मेरे घुटने पर, इतना वॉक में नहीं रह सकती। ऊपर से मॉस्किटो मॉस्किटोस। तो मिथुन अभी पी रहे हैं कॉम वाटर और मैं कुछ नहीं पी रही हूँ, क्योंकि इतना वॉक करने की वजह से मेरा जो गला था वो बिल्कुल सूख गया था। कम वाटर तो दूर की बात है, मैं आने के बाद 300 ml वाटर मैंने, 300 से कम तो नहीं होगा वाटर मैंने एक साथ पी लिया, इतना प्यास लग गया था मुझे। तो अभी हम देख रहे हैं टीवी, आर्यन आज पूरे दिन कार्टून नहीं देखा तो अभी हम आर्यन देख रहे हैं कार्टून, और मैं थोड़ा सा अपने लैपटॉप में थोड़ा सा काम है तो वो मैं कर लूँ, और मिथुन भी बैठ गया अपने लैपटॉप लेके। तो ये अभी कुछ देर तक चलता रहेगा और उसके बाद हम सोने जाएंगे। तो यहीं पे होता है मेरा ये वीडियो भी एड। तो फिर मैं आपसे मिलूँगी, अभी से मैं हर रोज आपसे मिलूँगी मेरे एक नए नए वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स।